देखिए, बिहार में तो हमारे लिए एक इंट्रोडक्टरी जो है वो इलेक्शन है, और ऐसा मान लीजिए कि पिछले लोकसभा में 2 सीटें बिहार में लोकसभा की थी, और इस बार जो है हम एमएलए के इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किए, पर कोरोना बंदी की वजह से जितना हमको कवर करना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, और उसके वजह से एक इंट्रोडक्शन बिहार में एपीआई का होगा, और एलजेपी सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डॉक्टर सत्यानंद जी इसके अध्यक्ष है, और इनके साथ हमारा अलायंस है बिहार में। दूसरा, राष्ट्रीय जनकल्याण पार्टी सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, धीमान अनिल पासी जी इनके साथ में जो है हमारा अलायंस है। पासी जी की पार्टी राष्ट्रीय जनकल्याण पार्टी है, वे उसके अध्यक्ष है, और डॉक्टर सत्यानंद जो है वो एलजेपी सेक्युलर के जो है वो अध्यक्ष है। तो ये 2 पार्टियों के साथ एपीआई का अलायंस जो है वो बिहार में है, और जो लिमिटेड अलायंस की बात मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था, तो वो लिमिटेड अलायंस की जो बात है उसको अभी हमने शुरू किया है, और हर राज्यों में और राष्ट्रीय लेवल पर लिमिटेड अलायंस को लेकर जो है एपीआई आगे बढ़ेगी, उसकी शुरुआत हमने बिहार से की है। हम लोग विकल्प, ये तीसरा नहीं होगा। जनता यदि चाह ली और उनका समर्थन और आशीर्वाद दुआ मिल गया, ये पहला मोर्चा होगा, पहला होगा। दूसरा तीसरा क्यों हम होंगे, ये तो जनता पर निर्भर करता है, पब्लिक के मैंडेट पर डिपेंड करता है, जनमत क्या हमको देती है। इसीलिए कोई हमको तीसरा मोर्चा की बात नहीं है, नया विकल्प, नया संकल्प, बेहतर बिहार का के लिए हम लोग संकल्पित हैं, और जो आज सांप्रदायिक ताकत आक्रमक हुई है उनका मुंह तोड़ जवाब यही फ्रंट देगी। वो लोग तो सियासी सेकुलर हैं, हम लोग जहनी तौर पर सेकुलर है, इसीलिए उसका जवाब जो सांप्रदायिक ताकत है, जो फिरका परस्त ताकत है, उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। ये सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं मगर प्रैक्टिकली नहीं है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि बी टीम है, फलां टीम है। हर डेटा इस बात को प्रूफ करता है कि एमआईएम के कंटेस्ट करने से बीजेपी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि एमआईएम को फ़ायदा हो रहा है, और सेकुलर पार्टीज झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं। एम्पिरिकल डेटा है, बिहार में हम लोग एक पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और वहाँ पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती। हमने तो एक बिहार के एक बहुत बड़े लीडर के साथ, उनकी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस। हमने देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हमारे कन्वीनर हैं, ये वो आदमी है जो कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी सीट छोड़ दिया था, 5 टर्म के एमपी है। हम उनके साथ, चलिए आज आप हमसे करिए, आप तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मगर हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के साथ अलायंस किए हैं, और हमको पूरा यकीन है कि बिहार की जनता हमको अपनी मोहब्बत से और अपने भरोसे से नवाजेगी, और आप देखेंगे, देखते रहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इस गठबंधन की ओर से हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, किसानों के लिए सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई, तमाम चीज़ों की अच्छी व्यवस्था यह गठबंधन करेगा सत्ता में आने के बाद। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी का राज था, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया, गुंडागर्दी खत्म की गई, माना बहन जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई गई जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी आपके नोएडा में बनी हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी बनाई गई, माननीय कांशीराम साहब शहरी आवास योजना पूरे प्रदेश के अंदर लागू की गई, जिसके अंदर हमने लाखों आवास बना करके गरीबों को बांटे हैं, साथ शिक्षा फ्री कर दी गई, शिक्षा फ्री हमने उत्तर प्रदेश के अंदर की कि आपका बच्चा कहीं कोई एजुकेशन पूरा करता है तो उसे कोई फीस देने की जरूरत नहीं, साथ इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं जो हमारे एजेंडे में हैं, जो हमारे बैंक ने पूरी की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारी योजनाएं हम बिहार के अंदर भी लागू करेंगे। लेकिन आपको हमारे इस गठबंधन को पूरा आशीर्वाद देना पड़ेगा। जो लोग एनडीए के सामंतवाद और पूंजीवाद से मुक्त होना चाहते हैं और यूपीए के जातिवाद और गुंडावाद से मुक्त होना चाहते हैं, और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भगत सिंह के विचारों की सरकार चाहते हैं, निश्चित तौर पर वे सभी लोग हमारे मोर्चे के साथ होंगे। जो बिहार की दुर्दशा है उस दुर्दशा से निजात पाने के लिए इस फ्रंट से बेटर कोई विकल्प
बिहार की जनता को नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका समर्थन मिलेगा और हम लोग 5 साल के अंदर वो काम करके दिखाएंगे जो 30 साल में सभी लोगों ने मिलकर किया नहीं कर पाए, वो काम। हम तो झूठ रहे हैं, वो टूट रहे हैं। 243 सीटों पर यह फ्रंट लड़ेगा, बाकी किस पार्टी से कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे बाद में बताएंगे। हमारा चेहरा जो है वह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चेहरा होगा और वही हम लोग का सही प्रतिनिधि होगा, वही डेमोक्रेसी वहाँ पर बचा सकता है ऐसा हम लोग कहना है। और उसी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग का आप जो दिखाई देता है वो आप कभी देखते नहीं हो और जो दिखाई नहीं देता वो हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ये इतनी सीधी सीधी लड़ाई नहीं है और इसमें बाकी भी प्लेयर्स है कि जिनकी अपनी एक खुद की एक इमेज है, बिहार के ही लोग हैं वो, उनकी भी अपनी एक इमेज है और वो भी इस राजनीति में प्रभाव डाल सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि भैया आप जो दिखाई देता है वो आप दिखाई दीजिए। अब जैसे मैंने कहा कि 10 दिन के बाद हम लोग एक नई शक्ल, एक विरोधी गठबंधन की एक नई शक्ल जो है वो ले आएंगे। अब ये हिम्मत हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये हिम्मत इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को हमको दिखाई दे रहा है कि जो आज मार्केट में उपलब्ध है उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कोई नया बेचने वाला आए तो मैं उसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हम अगर बनाएंगे तो चौथा होगा, इसलिए अभी कहना उचित नहीं होगा कि राजनीति की शक्ल और उसका रुख क्या होगा। वो मैं मानता हूँ कि यहाँ जितने दल हैं सभी पार्टियाँ चाहती थी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिले और जितने भी महागठबंधन के CPI, CPM, माले, कांग्रेस, VIP, RJD के जितने भी कार्यकर्ता या वर्कर नेता पदाधिकारी, उनसे अब इतना कहना चाहेंगे कि निराश मत होइए, कहीं सीट एडजस्टमेंट में अगर एडजस्ट नहीं हो पाए, मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि बिहार को बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी हम लोगों को देना पड़ेगा। CPM पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, CPI पार्टी को 6 सीटें, CPI माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारे गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश साहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो JMM के पार्टी हैं उनको भी, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं, यानी 144 जो सीटें हैं उसमें से VIP पार्टी और JMM को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला वो आप लोगों के सामने रखेगा। तब मुझे ये दिखाई देता है कि लालू जी ने जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई बिहार में लड़ी थी, इस चुनाव में तेजस्वी ने उस लड़ाई को छोड़ दिया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई का त्याग कर दिया है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई छोड़ दिया है, इसका आपके पास क्या सबूत है? एक तो कुशवाहा जी को गठबंधन में होने के बावजूद भी उसके अंदर समाहित रखने में, साथ में रखने में कामयाब नहीं हुए। बैकवर्डों को बोलराइज किया जाना चाहिए था बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए। दूसरा, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का जो VIP साहनी था, मुकेश साहनी, उसको भी उन्होंने अपने साथ रखने में कामयाबी हासिल नहीं की।
मुझे नहीं लगता 11 सीटें देना उनके लिए कोई ज़्यादा, बीजेपी वालों ने 11 सीटें दे दिया। अगर ये लोग 12 भी देते तो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही घोषित करना चाहिए था। अब ये बात हम बाहर के लोगों को बताने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, मगर विश्लेषण के लिए ये बता रहा हूँ कि बैकवर्डों को पोलराइज करने के काम के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस जो द्वियोजों का संगठन है, ब्राह्मणों का संगठन है, और कम्युनिस्ट पार्टी अभी द्विज और ब्राह्मणों का ही संगठन है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, तो ब्राह्मणों ने स्थापित की हुई पार्टी है, और जो माले है वो भी ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित की हुई पार्टी है। मिश्रा नाम का कानपुर का ब्राह्मण था, उसने स्थापित की हुई है। तो और अभी उसका जो नेतृत्व है कोई भट्टाचार्य है बंगाल का, वो भी ब्राह्मण ही है। यानी बैकवर्डों को खदेड़ने का तेजस्वी ने काम किया और लगभग 99 सीटें ब्राह्मणों के पार्टी को दे दिया। ये एविडेंस के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे सिद्ध होता है कि लालू जी की जो लेगेसी थी, विरासत थी, तेजस्वी ने उसका त्याग कर दिया है और प्रो ब्राह्मण स्टैंड ले लिया है। तो इसलिए तेजस्वी यादव बिहार में बैकवर्डों का पोलराइजेशन करने में, नीतीश कुमार छोड़कर, करने में कामयाब हो सकते थे बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई करवाकर, मगर उसमें वो अब कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनको भी पूर्ण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी उनको भी मिलेगी ऐसा भी मुझे लगता नहीं है। इसलिए इधर से भी हंग असेंबली ही आने की संभावना है। अब अगर एक तरफ कोई भी मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ कुशवाहा मुख्यमंत्री, तो कुशवाहा अब की बार कुशवाहा के समर्थन में पोलराइज हो जाएगा, हमारे समर्थन से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इससे जो हंग असेंबली है, ये हंग असेंबली के पीछे एनडीए गठबंधन मजबूत नहीं होना चाहिए, ये रणनीति है। और इसके लिए हमारे सामने एक ही विकल्प था कुशवाहा का, मतलब हंग असेंबली आएगी तो तब हमारा वैल्यू बढ़ेगा, हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। मान लो हमारे 8-10 लोग भी चुनकर आते हैं, जैसे भी 5-7 सीटों पर हम लोग लड़ाई में है अभी पहले चरण में, और दूसरे चरण में अगर 5-7 सीटों पर होते हैं, तीसरे चरण में 8-10 सीटों पर होते हैं, तो लगभग 20-25 सीटों पर हम लोग जो है लड़ाई में रहेंगे। और इसमें 8-10 सीटें भी अगर हमारी चुनकर आती है और हंग असेंबली होती है, तो फिर तो जो लोग मिलने के लिए हमको समय नहीं दिए, वो लोग तो अपने से चलकर हमारे पास आएंगे समर्थन मांगने के लिए। तो ये रणनीति का मामला है, और इस रणनीति अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती है, तो हम भी बना रहे हैं अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। चिराग पासवान का कोई ऐसी स्टैंडिंग नहीं है बिहार में, 2-4% वोट पड़ा है पिछले चुनाव में भी, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उनकी इतनी बड़ी स्टैंडिंग नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला कर ले, मगर उन्होंने ऐसा फैसला किया, उस फैसला किया ऐसा कहने के बजाय बीजेपी ने ही उनको ऐसा फैसला करने के लिए काम पर लगाया, क्योंकि चिराग पासवान ने जो फैसला किया वो नीतीश कुमार के विरोध में है और बीजेपी के फेवर में है। बीजेपी को क्या नुकसान है? एक बात, बीजेपी के लोगों ने जिनको टिकट नहीं दिया उन सारे लोगों को चिराग पासवान ने टिकट दिया, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं, चुनाव के बाद भी चाहेंगे बीजेपी ही मदद करने के लिए। इससे आंकड़ा बीजेपी का और चिराग पासवान का मिलकर चुनाव के बाद में अगर आंकड़ा ज्यादा बन जाता है, तो आंकड़े के हिसाब से वो मुख्यमंत्री पद का दावा बीजेपी और चिराग मिलकर कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार को ऐसे सिचुएशन में एक संकट खड़ा हो जाएगा। इस संकट का क्या उपाय नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा, ये तो भविष्य ही, चुनाव के बाद का भविष्य ही बताएगा। बीजेपी के जो लोग, बीजेपी जो है
वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टियां है, स्टेट की जो पार्टियां है, उनको सीढ़ी बनाकर ही आगे बढ़ी। महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, शिवसेना को सीढ़ी बनाकर बीजेपी आगे बढ़ी और फिर शिवसेना के ही पिछवाड़े पर लात मारकर मुख्यमंत्री पद हासिल किया। इसकी वजह से परेशान होकर जो है शिवसेना ने एक नया प्रयोग किया और कामयाब भी रहा। हाँ, अभी कामयाब, अभी तक तो कामयाब है। अभी तक अब दूसरी बात यह होगी कि ऐसा प्रयोग बिहार में, ऐसा प्रयोग अगर मान लो ऐसा करने की कोशिश की बीजेपी ने, तो नीतीश कुमार के सामने दोबारा तेजस्वी कांग्रेस और ऐसा गठबंधन बनाने का एक विकल्प रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लगभग 243 में 122 सीटें चाहिए, 122 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और 121 पर जो है बीजेपी लड़ रही है, तो उसको चिराग समर्थन दे रहा है 121 में, ये भी है। तो इसलिए नीतीश कुमार भी जिस तरह से बीजेपी ने ये खेल खेला, तो नीतीश कुमार भी अपने संगठन के द्वारा बीजेपी को वोट ट्रांसफर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये गुप्त खेल वो खेल सकता है। जैसे चिराग का ट्रांसफर ऑफ वोट जो है बीजेपी को होगा, तो नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर जो है बीजेपी को किया जाए हर चुनाव क्षेत्र में या ना किया जाए, ये तो उनके पार्टी के कैडर के टेलीफोन करने से हो जाएगा, लास्ट ओवर में हो जाएगा। नहीं, दे एक तो पहली बात उस लीडर और पार्टी को देखना चाहिए कि किस लीडर को क्या आता है और किस पार्टी की पॉलिसी क्या है, इसको देखने की जरूरत है। देखिए, केवल सत्ता परिवर्तन हो जाने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। देश में व्यवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक नीतिगत परिवर्तन नहीं आएगा, और जब तक नीतिगत परिवर्तन नहीं आएगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। क्षेत्र में जाति धर्मों को ना देखते हुए, चेहरों को ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि किस लीडर को क्या आता है, और उनको सही में देश में बदलाव लाना है, उनको इलेक्शन लड़के आगे जाना चाहिए। ये जो है, जो लोग नॉन सीरियस है, मोस्टली जो लोग है इलेक्शन लड़ते वो नॉन सीरियस होते हैं, उनका जो है वो स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का और पॉलिसीज का बड़ा कमजोर होता है, और उनको लगता है सिर्फ मैं MLMP बन जाऊं, या बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी में तो केवल चलो मैं एक अध्यक्ष रह जाऊंगा, एक जो है सचिव रह जाऊंगा, मैं एक जिले में कुछ रह जाऊंगा, स्टेट में रह जाऊंगा, इसके लिए भी बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं, पर इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। पॉलिटिक्स को सीरियसली कंडक्ट करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज जो API ने जैसे डिक्लेयर किया है, वेरियस पॉलिसीज पूरे इंडिया की और वर्ल्ड लेवल की। कॉस्मो ह्यूमनिज्म का आधार होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को सीरियसली समझकर अगर ये काम करेंगे तो जल्दी बदलाव आएगा देश में, अन्यथा नहीं आएगा।